बोलो शंकर भगवान की जय। एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का, देखो मैं दिखाता हूँ गाड़ी। जितने भी खड़े हैं ना, जितने भी, किसी की जेब में एक रुपया भी नहीं है, सब कंगाल है। मेरी जान 500 बीघे जगह खर्च करके घेर के चल रही होता हूँ। तो भाई कसौल आए थे और 4 घंटे ट्रैफिक फंसे हुए हैं और कैंप चेकआउट कर दिया है और 2 बज रहे हैं भाई, दिन के 2। तो हम जा रहे हैं मनाली, मनाली मॉल रोड जा रहे हैं, वहाँ घूमेंगे और कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे आपका कसौल। कसौल में मणिकरण और कैंपिंग का स्लॉट खाली होगा, देखेंगे कैंपिंग, बाकी फिर हम बिजली महादेव पड़ता रास्ते में, वहाँ से फिर अपना दिल्ली बाय रोड चंडीगढ़ होते हुए। ये आशीष भाई हैं, अंकित भाई, दीपक भाई, विनोद भाई कैडी चीज, और ये मास्टर जी हैं, ये नाप ले लेते हैं हर किसी का। चलो भाई स्टार्ट करते जर्नी, अब जा रहे मनाली, फिर दिखाते हैं आपको मनाली की लोकेशन, रश कितना रश हो रहा है। इतनी अच्छी ग्रीनरी है चारों तरफ, पेड़ पौधों की, और देखो माउंटेन में प्यार लग रहा है ऊपर, बर्फ और माउंटेन के ऊपर कितना प्यार लग रहा है। ग्रीनरी देखो साइड की, पेड़ वगैरह इतने प्यार लग रहे हैं। तो भाइयों फिर से अटल टनल में जा रहे हैं वापस मनाली के लिए, और रश बहुत हो रहा है भाई, इतना रश हो रहा है चारों तरफ, गाड़ी गाड़ी, रश ही रश भाई, रश होता है, रश रश भाई, कुछ कुछ लोग क्रश क्रश करते रहते हैं, क्रश हो रहा, क्रश हो रहा है, थोड़ा जवान पे चल जाती भाई की। देखो चारों तरफ कितना रश है, देखो कितना रश है, खूबसूरती। हम एंट्री कर रहे हैं टनल के अंदर, ये देखिए हमारी गाड़ी हो गई, काफी रश होता है अभी भाई, पार कर लिया टनल हमने, थैंक्स विजिट अगेन। सोलंग वैली आ गए फिर से दोबारा, और लंच टाइम हो रहा है, सारे लोग लंच कर रहे हैं, और लंच दिखा दे लंच क्या है, एकदम घर जैसा चिकन बनवाया आंटी को बोल के, आंटी जी को मैंने पहले बोल दिया था कि घर जैसा चिकन खाना है, तो उन्होंने एकदम कटेदार घर जैसा चिकन बनवाया, थैंक यू सो मच आंटी जी। तो भाई फाइनली मनाली मोड़ रोड आ चुके हैं। आशीष भाई कितने घंटे ड्राइव करी थी हमने, 4 घंटे की ड्राइव करके, 3-4 घंटे की ड्राइव करी थी हम, जिस पास हम आए थे, और सोलंग वैली में हम थोड़ी देर रेस्ट करा, खाना वाना खाया, डिनर वगैरह, और उसके बाद हम मनाली मोड़ रोड आया, इतना रश हो रहा है मनाली मोड़ रोड, इतना रश हो रहा है, देखो ये देखो, और सारे भाई बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और भाई एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी खड़े हैं ना, जितने भी, किसी की जेब में एक रुपया भी नहीं है, सब कंगाल है, सब कंगाल है, सब कंगाल। छोटा वाला है ना, इसने पैसे दिए ही ना, फ्री में आया, फ्री में लटका डोल रहा हमारे।
सब कंगाल है सब। अब हमें सोच रहे हैं कोई मॉडल में खाना पाना खिलाना कुछ होटल पोटल लगवा दे। भैया मैं तो किसी भैया पुलिस वाले के पास जाऊँगा भाई, तेल भाई तेल वगैरह डलवा गाड़ी में, सच्चे पैसे खत्म हो गए सबके। और घर वाले फोन घर वाले गाली बकरे आओ मत आओ भाड़ में जाओ। कैसा लगा मेरा मजाक? सच्चाई है। अंकित भाई कौन है? ये भाई है अपना मेरी जान बुआ का फूफी का। भाई दो गाड़ियां ही बची हैं खाई में जाने से, क्योंकि लोग बिल्कुल सेफ्टी गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ से बस जा रही है इधर और इधर लोग हैं, कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा किसी को भी। कैसे भी देखो पीछे, ये देखो ये हमारी गाड़ी आ रही है पीछे। भाई परेशान हो गए जाम में, इतने परेशान हो गए। मैंने बताया था कैसा जाम है, अगर पता होता ना तो माती नहीं। अब प्लस सैटरडा नाइट है आज, यहाँ पे गंदा गंदा जाम लग रहा है, रास्ता तो नहीं गाड़ी निकालने के लिए। गुड मॉर्निंग भाइयों, सुबह के भाई 11 बज रहे हैं। और भाई यहाँ कसौल में कल वीकेंड था तो इस चक्कर में रूम वगैरह मिले नहीं कहीं भी। और कम से कम मैंने आपके 30 से 40 रूम कैम सर्च करे थे पर कहीं भी हमें कोई खाली नहीं मिला, सब फुल थे। तो अब फिर हमने क्या करा, डिसाइड करा कि रात को गाड़ी में सो जाना चाहिए। तो हम रात को गाड़ी में सो गए, हमने खाना वाना खा के रात को हम गाड़ी में सो गए। अब हमने मॉर्निंग में 11:30 बजे अब लिया है रूम। और भाई रूम क्या बताऊँ, वीकेंड चक्कर में इतना रश है यहाँ पे, और भाई इतना रेट कर दिया रूमों का, जो रूम 3,000 रुपये का ना वो रूम अब 6 का मिल रहा है यहाँ पे। तो जून में भाई कभी आना ही मत, अगर आप पैसा बचाना तो आना जून के बाद ही आना, जुलाई अगस्त में मई में, उससे पहले मार्च में। तो भाई ये रूम लिया हमने, ये रूम लिया भाई 7,000 रुपये, इसके 7,000 रुपये कॉस्ट पड़ी रूम की। और रूम का भी प्यारा है, ये इसका वॉशरूम है। और रूम की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, तो बालकनी रूम की यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है। और मैं नानी वो खड़ी तो भाई रूम में चेंज कर लिया है। और मैंने थोड़ी देर पहले वो रूम दिखाया था, हम बैठे हैं बालकनी में। और भाई मौसम ना बढ़िया हो रहा है, और संडे आज, आज आपका 18 जून और 18 जून है ना संडे, और भाई रश इतना हो रहा है ना बस क्या वाला। इतनी मुश्किल से रूम मिला है ना मुझे, तो मुझे पता है कि पूरी रात गाड़ी में सो जाकर रूम मिला है मुझे। तो भाई शाम के बजने 5 और अब हमने रेस्ट करा, फ्रेश होकर अब निकले हम नहा धो के, अब जा रहे हैं सीधा मणिकरण साहिब गुरुद्वारे। और सारे भाई हो गए तैयार, और ये अपनी दीवा भाई कैडी चीज कैडी बात चीज। भाई का लुक का इतना बड़ा फैन हूँ मैं भाई के लुक का, बस क्या बताऊँ। और मास्टर जी हमारे, किसी को सूट साड़ी ब्लाउज पेटीकोट जो भी सिलवाना हो गुरु जी हमारे साथ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाता हूँ मणिकरण साहिब कि कितनी भीड़ है, क्या है क्या नहीं। और जो गर्म पानी है ना वहाँ का प्रसाद खाने पर मजा आता है। आशीष भाई चल दी मणिकरण साहिब। हाँ जी भाई। भांजे राजा, भांजे राजा, भांजे राजा बुला रहा है। भांजे राजा मणिकरण साहब चल रहे हैं। हाँ जी मणिकरण साहब चलना है। चलो चलो ठीक है जी, ओके भाई दिखाते हैं आपको आगे। लेट्स गो, लेट्स गो। दी भाई केड़ी चीज, केड़ी बातचीत, मिलते हैं। तो जैसे कि आज में संडे है, रश बहुत होता हो रहा है और ट्रैफिक इतना हो रहा है यहाँ पे, और आगे भी गाड़ी फंसाई हुई लोगों ने, ट्रैफिक लोगों की वजह से होता है, रोड पर गाड़ी लगाए थे। ऐसे लोगों से ट्रैफिक होता है, रोड क्रॉस करते हैं तो लड़के रुक जाते हैं, देख के 400-500 बीजे जगह खर्च कर रहे हैं, घेर के चल रही होता है। सही ना जब वहाँ से आए थे। हाँ बाबो मणिकरण साहिब पहुँचने वाले हैं, बस 1 किलोमीटर रह गया है और थोड़ा बहुत ट्रैफिक है आगे, उड़ा देंगे। बला बला बला, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। बाबा के मत्थे टेक के आते बताते हैं आपको।
माय गॉड व्हाट अ ट्रैफिक भाई, ट्रैफिक बहुत हो रहा है इसलिए हमने अपनी गाड़ी पीछे लगा दी और हम अब पैदल पैदल जा रहे हैं मनीगढ़ साहिब के लिए। थोड़ी सी ट्रैकिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग है बस, बाकी सारे लोग पीछे आ रहे हैं। हाथ ला दो, भाई ऐसे रास्ते जा रहे थे ट्रैकिंग करके हम लोग और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी अभी 5 मिनट पहले ही एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का, देखो मैं दिखाता हूँ गाड़ी। गाइस सारे मारे भाई साथ चल रहे है, चढ़ाई कर रहे है, कतई जहर हो रहा है। बिल्ला चुपो जा दीपक भाई, है मेरे मेरी जान। हाँ ये देखो भाई, इनका भी जल रहे है, साढ़े जल रहे पीछे वाले मारे, देख रहे भाई चढ़ाई करते समय। इरफान भाई के साथ और कपिल भाई प्रधान डीएससी के साथ, भाई हमारे भाई दिल्ली से हैं भाई, रुकावट में खेत था, थोड़ी खेत था ठीक है, अंकित भाई ने गाली बक दी थी हमें तो इसलिए रिस्टार्ट करी वीडियो। ये वातावरण देख, मैं ये देखो रास्ता हमारे, ये हमारे भाई कपिल भाई, रोम रोम भाई, इनको भाई हमारे जैकेट पहन रहे, हम गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं फैमिली बनना सर। तो मनीकरण साहिब गुरुद्वारा पहुंच गए हैं, तो देखिए कितनी भीड़ है मनीकरण साहिब गुरुद्वारे पे। ये देखो ये इसकी मेन एंट्री है, मेन एंट्री है इसकी, आगे दिखाता हूँ आपको। देखो वाहेगुरु वाहेगुरु, ये देखो रिवर, रिवर का पानी ना तेज आ रहा है, देखो ये मनीगढ़ साहिब गुरुद्वारा कसौल। तो बाबे के मत्था टेक ले आए, अब लंगर चक रहे हैं सारे भाई और ऑलमोस्ट आधे भाई चले खा के और हम लोगों ने फिनिश किया भी अभी। तो आगे ज़्यादा भीड़ है, तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु। सारे भाई आए हैं, भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता भाई ये क्या चीज़ है। मनीकरण गुरुद्वारे में शिव मंदिर है, तो हाँ जमीन से ना गर्म पानी आता है उबलता हुआ, तो मनीकरण जितना भी मनीकरण का लंगर जो भी है सारा खाने से पानी से बनता है ठीक है। अब यहाँ 20 रुपये खैरी मिलती है, जिसमें चावल और चने होते हैं और ये प्रसाद तौर में दिए जाते हैं, यहाँ से बॉयल करके ले जाके अपने घर में फैमिली में कुछ भी आप लोग खिला सकते हो उनको। भाई प्रसाद ले लिया शिव जी का, चलो उबाल लिया गर्म पानी में, जो पहाड़ों से गर्म पानी आता है आज से कई हजार साल पहले का ये पानी आ रहा पहाड़ों में और बहुत मानता है इसकी, और जो शिव मंदिर है ना ये इसकी बहुत मानता है, जो वहाँ को मिलता है और गर्म पानी निकल रहा पहाड़ों से कई हजार सालों से गर्म पानी उबलता हुआ और सारा खाना सब कुछ इसी पानी बनता है नेचुरल में। भाई से बोल रहे हैं ये शिव मंदिर हमारा। तो भाई मत्था टेक लिया बाबे के और भाई शिव मंदिर में भी दर्शन कर लिए शिव मंदिर के, और भाई ये देखो झरना देखो इनते भाव कितने जा रहा है, देखो वाहेगुरु 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 जी फतेह, वाहेगुरु 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 जी फतेह। भाई पहाड़ों में ट्रैक कर रहे हैं और गाड़ी हमारी बहुत दूर खड़ी है और क्या कहते हैं देखो पूरे रोड में अंधेरा अंधेरा है, हम ही हम दिख रहे हैं सारे, हमारे साथ एक भैया है अंकित, तो भी एक मतलब डॉग आ गया, मतलब इसकी फटकी भूरे की, पहाड़ी डॉग कुत्ते हैं ना वो, तो थोड़ा सा
अकेले अकेला चल रहा था ये, तो भैया देख के वहीं रुके, पीछे आ गए। अपनी बता रहा अपनी। तो भाई मजा बहुत आ रहा ट्रैक करने पहाड़ों में, बहुत मजा आ रहा भाई। जो बात है दूर दूर तक कोई नहीं है हमारे अलावा। अरे हम है ना, कोई दूर नहीं है दूर दूर तक हमारे अलावा। और 2 किलोमीटर चलना है पहाड़ों में, अंधेरे में।